सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Hey guys, welcome back to my channel, welcome back to another exciting vlog। तो आप सबके लिए सरप्राइज, अभी मैं अभी हॉल्ट में हूँ, जो कि मैं अभी अपने घर में आया हूँ छुट्टी लेके अपने कॉलेज से। हमारे यहाँ पर प्रथमाष्टमी को मनाते हैं, इसलिए मैं आया हूँ। घर के बड़े बेटे को पूजा करते हैं। और एक्चुअली ये व्लॉग स्पेशल व्लॉग है, ये एक्चुअली जो उड़िया मूवी आया है ना दमन, उसका रिव्यू व्लॉग है। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि, और मेरे कुछ भैया लोगों ने भी मुझे सजेस्ट किया कि आप उड़िया मूवी जो दमन आया है उसको एक बार देखो और आप अपने ब्लॉग में उसको प्रमोट करो, क्योंकि उसको प्रमोशन चाहिए जो भी हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा मूवी है। मैं जस्ट कल ही देख के आया, तो उसी का ही रिव्यू होगा ये व्लॉग में। और बाकी अभी तो मैं आप बोला जैसे कि मैं अपने घर में हूँ, ठंडा हो रहा है, और जस्ट मैं अपना जितना भी वर्क था वो कॉलेज का वर्क अभी ख़त्म किया और अभी बैठा हूँ। तो सोचा कि लगे हाथ ये ब्लॉग को शूट भी कर लूँ, तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं दमन के रिव्यू के साथ। 2 hours later, जैसे कि हम बात कर रहे थे दमन मूवी के बारे में, जो कि मैंने देख लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा मूवी है। और अब हमारे उड़ीसा से ही उड़िया मूवी बॉलीवुड से वो आया है, तो बाबूशान जो इसमें काम किए हैं मस्त काम किए हैं, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर मूवी बनाया है। और ये मूवी एक्चुअली रियल चीज़ के ऊपर बेस्ड है, मालकानगिरी के ऊपर है। और बाकी तो सब बोल दूंगा तो उस मूवी का रिवील ही हो जाएगा यहाँ पर। और मुझे खबर मिला है, मुझे क्या सबको मिल गया होगा कि दमन को अभी ग्लोबली रिलीज़ किया जाएगा, मतलब पैन इंडिया मूवी बना के रिलीज़ किया जाएगा। जिस तरह का कांतारा हुआ था ना, जैसे हाइप हुआ था कि वो कांतारा भी बहुत ही अच्छा मूवी था, उस तरह से ही इसको भी रिलीज़ किया जाएगा। और एक्चुअली दमन मूवी बहुत पॉपुलर हो रहा था, मुझे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर और मेरे कुछ बड़े भैया भी बोले कि कभी होगा तो अगर पॉसिबल है तो तू जाके दमन मूवी देख, दमन मूवी के ऊपर एक अपना एक छोटा सा ब्लॉग बना उसका रिव्यू टाइप में। और अपने जेस्टैग भैया जानते ही होंगे आप, जिनका वीडियो मैं अपने चैनल में मैंने पोस्ट किया है, तो वो भी बोले कि इस वीडियो को कोई भी आप प्लेटफॉर्म से आप शेयर कीजिए, पोस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, कि और हमारे तरफ से आपको कुछ कॉपीराइट क्लेम नहीं होगा। इसलिए मैंने कमेंट में वो वीडियो के मेंशन भी कर दिया है कि सबका परमिशन लेके ही हुआ है। और उसी तरह से इस मूवी को बनाया गया है। बाबूशान जो है उनका एक्टिंग भी बहुत ही भैया कुछ ऐसे जैसे रोमांटिक मूवी या फिर ओवर एक्टिंग या फिर कुछ जैसे ड्रामा व्रामा मूवी नहीं है, जो भी है रियल फैक्ट है आपके सामने है। वो इतना सुंदर से डिस्क्राइब हुआ है और वो जो सिनेमाटोग्राफी भी बहुत ही अच्छा हुआ है, सीन्स भी इसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और अगर मैं इसे डिस्क्राइब करने लग जाऊँ तो कभी मेरे मुँह से निकल जाएगा उस मूवी के A to Z जीज के बारे में। तो बहुत ही सुंदर बनाए हैं। एक्चुअल जो इसके जो डॉक्टर हैं उनका रियल नेम मैं आपको बोल देता हूँ, डॉक्टर का जो रियल नाम है वो डॉक्टर ओमकार होता, जो कि इस कैरेक्टर को निभाए हैं अपने बाबूशान, जो कि उन मूवी में उनका नाम सिद्धार्थ है। बाकी आप मूवी देख के ही आप आइडिया लगाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा मूवी के बारे में बोलूँगा नहीं, खाली मूवी इतना है कि बहुत ही सुंदर मूवी बनाए हैं। और इसको जितना प्रमोट करें हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट है, हम उड़िया हैं तो फिर हॉलीवुड मूवी इसका इतना सुंदर बनाया है। जितना आप शेयर, आपको भी बोलता हूँ आप गारंटी जाके वहाँ पर देखिएगा, आप बोर नहीं होंगे। बेस्ट मूवी है, जो मूवी लवर्स है ना, जो मूवी लवर्स है वो लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे कि मैं बोल रहा था जेस्टेक भैया, वो गुजरात के हैं फिर भी वो उड़ीसा से, मतलब उड़िया का मूवी देख के जितना उनका आइडिया हो पाया वो समझे, उस तरह का बहुत ही सुंदर मूवी बनाए हैं। तो ये एक शॉर्ट सा सिंपल सा रिव्यू व्लॉग बनाने वाला था मैं, और सबको ही मेरे को बोले कि इसका एक तू व्लॉग बना, कि तेरे मतलब तू भी इस भागीदारी में साथ दे कि इसको प्रमोट करने के लिए, बहुत ही सुंदर मूवी है। और मैं इतना लकी हूँ उसका जो उड़िया वाला है ना, कल हमारे यहाँ पर लास्ट शो था, मतलब कल मैं अपने कॉलेज से आया था, तो फिर शाम को 5 बजे ही उसका शो था,
तो आते ही धड़ 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 मैंने दो टिकट बुक किए, पापा और मैं गए थे देखने के लिए। पापा को भी बहुत अच्छा लगा और मुझे तो ऑब्वियसली अच्छा लगा ही होगा। तो यही था मूवी, और बाकी इसका ट्रेलर वेलर तो आप थोड़ा बहुत देख ही चुके होंगे, थोड़ा बहुत क्या आप मैक्सिमम देख ही चुके होंगे, क्योंकि जो लैंग्वेज है ना, चिंता मत करो उसका हिंदी वाला आ रहा है, तो हिंदी वाला आप आराम से इन्जॉय कीजिएगा। तो ये रिव्यू को यही तक रखते हैं, ये वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मैंने अपना काम कर दिया है इस मूवी को प्रमोट करने के, तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं आपको मिलता हूँ किसी अलग ब्लॉग में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।